Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. నకిలీ చేనేత వస్త్రాలు మన మార్కెట్ లోపల మిక్సర్ విడిగా అమ్ముతున్నటువంటి తరుణం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపలే దాదాపు 50,000 కోట్ల రూపాయల అక్రమ దందా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఇంత దందా జరుగుతున్నా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని అధికారులు గాని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళు గాని విజిలెన్స్ వాళ్ళు గాని ఇటువంటి చర్య తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం. ఇది మాత్రమే కాకుండా क्या नाम आपका? मेरा नाम वन्नाला श्रीरामलु है, फार्मर एमएलए हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ऑल इंडिया ओबीसी मोर्चा कमिटी एंड कर्नाटक इंचार्ज हूँ और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड माजी डायरेक्टर एंड आपको डायरेक्टर हूँ. आज हम ये कार्यक्रम क्यों लिए बोले तो तेलंगाना में बुनकर लोग, हजारों लोग बिना काम के मर जा रहे हैं. ऐसे एक 4-5 साल से 350 लोग मर गए हैं, तो भी गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रहे हैं. किसने कितने मर्तबा बोले मगर वो लोग ये बुनकरों के काम के ऊपर, बुनकरों के डेवलपमेंट के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे. केवल वो लोग ये पावर लूम के बारे में सोचते हैं. इसलिए सरकार कर रही है, राज्य सरकार, ये राज्य सरकार कर रहे हैं. और आपने मांगे जैसे एमएलए, हमारे मांगे ये है, एक राज्य सरकार है ये बुनकरों के लिए कम से कम 10 सेंटर में 100 करोड़ पूंजी रखे. बुनाना ये तो हजारों लोगों का काम आता, वो एक तेलंगाना में करना है. दो, हम केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग रहे, ये उनकर सामने ये जाना बोले तो, उनका डेवलपमेंट होना बोले तो, ये बुनकर हैंडलूम और टेक्सटाइल को डिवाइड करना, सेपरेट करना. हैंडलूम और टेक्सटाइल एक ही मिनिस्टर पे नहीं रहना, सेपरेट मिनिस्ट्री रहे तो, अलग अलग रहे तो वो डेवलपमेंट हैंडलूम के डेवलपमेंट होता. आज प्रधानमंत्री ये बुनकरों के लिए डेवलपमेंट के लिए 7 अगस्त को वो हैंडलूम डे बना रहे हैं, हैंडलूम डेवलपमेंट डे बना रहे. इसलिए 3 साल में आज देश में पहले जो खादी बोर्ड का 1500 करोड़ था 3 साल के पहले, आज 3000 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ, परचेजेस हम देखे तो. इसी रास्ते में केंद्र सरकार सोच रहे हैं, मगर राष्ट्र सरकार उनका सोचने का ढंग को कुछ भी मदद नहीं दे रहे. दिल्ली आके उसका स्कीम्स नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल वो पावर लूम के बारे में सोच रहे हैं. इसलिए राष्ट्र सरकार का बहुत जिम्मेदारी है वहाँ के बुनकरों को डेवलप करने के लिए, उनको मर जाने के लिए जो उन लोगों का कुछ भी नया मदद नहीं हो रहा, इसलिए वो मदद करने के लिए सोचना है राष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट. इसलिए हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम चाह रहे हैं सेपरेट मिनिस्ट्री बनाओ हैंडलूम और टेक्सटाइल, और कुछ मदद हमारे तेलंगाना को ज़्यादा मदद करो बोल के यहाँ भी हम केंद्र सरकार को पूछ रहे, मगर राष्ट्र सरकार कुछ काम नहीं कर रहे. वो लोग नहीं पूछ रहे, जो स्कीम्स है वो स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार सोच रही नहीं. बहुत बहुत विचार की बात है, अगर ऐसे ही रहे तो अगले दिनों में हम ऑल पार्टी का ये काम है, ऑल पार्टी आज इधर आए हैं, ऐसे ऑल पार्टी का सबको मिला के हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, करने के लिए तैयार है. इसीलिए फाइनली हम चाह रहे मुख्यमंत्री या
केटीआर जो टेक्सटाइल के जिम्मेदार है हैंडलूम टेक्सटाइल का, वो लोग कुछ ऑल पार्टी का एक मीटिंग बुलाए तेलंगाना, उसके बारे में कुछ चर्चा करके ये बुनकरों को सामने ले जाने के लिए सोच रहे हैं बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। थैंक यू जी सर। जैसे आज मैं देख रहा हूँ, इंग्लिश में बात करूँ या हिंदी में? हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश में बात करता हूँ सर। जैसे आज आप आए हुए इतनी दूर से आए और मैं देख रहा जो बुनकर है उनके मुद्दों को आप पहले भी उठाए थे, आज फिर यहाँ पे आए हो, MLA भी आपके साथ आए हुए, तो जैसे पहले भी आप आए थे कुछ सरकार ने सुना कि नहीं सुना कि आपको दोबारा दिल्ली के जंतर मंतर पे आना? इससे पहले मैं दासू सुरेश, मैं वीवर्स यूनाइटेड जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। हम लोग पिछले जून में यहाँ पे जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट किए थे, वो टाइम पे हम बुनकर वालों का जितने भी समस्या है, जितने भी तकलीफ है, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करके नेशनल मीडिया को और साथ में केंद्र सरकार को भी बताने के लिए कोशिश किए। हम जहाँ पे ऐसे आके प्रोटेस्ट किए थे, इमीडिएटली ये चीज़ के बारे में हम 8 नेशनल पार्टीज को बुलाए थे, उसकी तरफ से 14 MP वालों भी यहाँ पे आके ये प्रोग्राम में शामिल होके अपना मदद किए थे। ये मदद करने के बाद ये भुवनगिरी का MP है कोमर रेड्डी जी ने स्मृति ईरानी जी के पास जाके यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जितने भी है बुनकर जो ज़्यादा लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, इसीलिए उन लोगों का मदद, उन लोगों का एडिशनल क्लस्टर्स, उन लोगों का इंश्योरेंस, ये सब दिलाने के लिए वो MP ने जाके पूछे थे और मदद भी किए थे। साथ में हम जितने 350 बुनकर वाले मर गए थे उसके बारे में, उसके समस्याओं के बारे में हम जाके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताए थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को और चीफ सेक्रेटरी को भी एक नोटिस भेजे थे, और साथ में हम जैसे नेशनल BC कमीशन के पास भी जाके उन लोगों को भी ये तकलीफ पूरे बताए थे। वो खुद हैदराबाद में आके वो खुदकुशी करे जो बुनकर वालों का फैमिली से, उन लोगों के पास आके उनसे बात करके भी उसे विचार को थोड़ा दूर करने के लिए कोशिश करें, और साथों साथ उन लोगों का कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद रहना चाहिए बोल के इसीलिए उन लोगों ने सजेस्ट भी किए थे। तो हम लोग एक गांव से या तो गा के ये मूवमेंट दिल्ली में जंतर मंतर में लेके इसके लिए इसका डिमांड जो है उसका शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो बचे हुए डिमांड्स है उसके बारे में बात करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ऑल पार्टीज पूरा जॉइंट एक्शन कमेटी में ऑल पार्टीज वाले आके यहाँ पे फिर से आज प्रोटेस्ट कर रहे, बाद में मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का अपना प्लान है। मैं देख रहा जो साड़ी भी आप ले रहे, तो ये साड़ी से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो अपना वो एक्चुअली ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के प्रमोशंस में मशहूर कलाकार श्री कलाकार आके ये अपने उसके खुद की हैंडलूम से बने हैं और उसका बहुत अच्छा क्वालिटी है, ऐसा कुछ बातें बोलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सही तरीके से देखे तो वो हैंडमेड नहीं है, वो पूरा नकली है, वो पूरा इमिटेशन सिल्क से बनाया है, और साथ में उसका दाम भी बहुत कम है, और इससे बुनकर वालों का रोजगारी खराब हो रहा है, और साथों साथ ये जो विनियोगदार है वो जो कस्टमर से उन लोग जो खरीद कर रहे हैं उसका भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये चीज़ में 50,000 करोड़ का भी धंधा चल रहा है हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में। ये तेलंगाना में इतना चले तो पूरा हिंदुस्तान में कितना चलेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ थिंक भी कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।